क्या जरूरत है मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाने की बाकी लोग इतने सौ हजार क्रिएटर्स पड़े वो लोग बना देंगे मेरी क्या जरूरत है यूट्यूब के ऊपर छोड़ो जाने तो नहीं बना दो सही कहा किसी ने एक बार कंफर्ट जोन के अंदर अगर घुस गए ना तो बाहर निकलना रहे नेक्स्ट इम्पॉसिबल नेक्स्ट वाला मेरे को मैं कैसा उठ के यहाँ पे आप वीडियो बनाने आया आयो अभी आप लोगों को पूरी स्ट्रगल बताता हूँ मैं क्या क्या चीजें हुई थी देखो सर तो सबसे पहले आप लोगों को जो लास्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने अभी लेटेस्ट देखा था ना कुछ तीस या इक्कीस कुछ शेड्यूल था वो वीडियो शूट हुआ था सोलह जून को ठीक है तो सोलह जून को वीडियो शूट हुआ था और बाकी सारे वीडियो पेंडिंग थे तो उनको फटाफट एडिट करके मैं शेड्यूल कर करकेड और ये सोलह जून वाला वीडियो थर्टी को अपलोड हुआ थर्टी या थर्टी जून को मेरे को याद नहीं अभी तो आज तारीख के साथ जुड़े आज मैं शूट कर रहा हूँ इतने दिन ताक जाता वही मैं बता रहा हूँ ना अभी आप लोगों को तो ये वीडियो जो है वो पर्सनली मैं खुद के लिए बना रहा हूँ मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि मुझे फिर फिर से इस प्रोसेस में डाल दे और से मजा आना चालू हो जाए तो आप लोगों को देखना तो देखो नहीं देखना तो ठीक है चले जाओ इसके बाद के अगले कंटिन्यूस आ जाएंगे अगर मन हुआ तो, तो अगर मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ तो पंद्रह जून को जो मैंने वीडियो स्टार्ट एडिट करना स्टार्ट किया पंद्रह सोलह जून को हुआ सत्रह सत्रह अठारह तक 18 जून तक पूरे वीडियो शेड्यूल हो जा, जाते हैं ठीक है थीके? मैं जितने भी वीडियो शूट कर ले तो अठारह उन्नीस तक पूरे वीडियो शेड्यूल हो चुके अब थर्टी तक मेरे को टेंशन नहीं है ठीक है आप समझो अब थर्टी तक मेरे को टेंशन नहीं है अब भाई साहब मैं एकदम मजा थर्टी फर्स्ट तक चैनल सेट है सेकंड चैनल भी सेट है सेकंड चैनल के ऊपर भी पिछले मैंने बहुत वीडियोस अपलोड हुए थे इतने चार से पांच सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड हुए थे और सात वीडियोस इस चैनल के ऊपर बहुत बड़े नंबर से। आप लोगों को अगर के कम लग रहे थे तो और पिछले महीने के जितने भी थे वो सब मैंने तोड़ दिए थे पिछले महीने तो अभी मैं घुस गया था कम्फर्ट जोन में कि हाँ भाई इस महीने बहुत अच्छा जा रहा है और अपने पास दस दिन बाकी है ग्यारह दिन एक दो दिन टाइम पास कर लेता हूँ तो एक दो दिन थोड़ा टाइम पास में गया बाद में कॉलेज चालू हुआ बाद में कॉलेज के लेक्चर वक्चर्स टू तक ट्वेल्व तक लेक्चर्स होते थे उसके

अब तो कुछ ठंडा पिया जाए क्यों ना दोपहर का टाइम था दो बजे और उस समय धूप बहुत था बारिश का महीना चले फिर भी धूप निकली पड़ी है बस तो उस समय मैंने ठंडा पिया जाए तो मैंने पिया स्प्राइट या कोको कोला को दोनों पिया है जोश जोश में। <laughs> उसकी हालत दिखी रही है तो वो पिया और उसके दिन डायरेक्ट एक जून से एक जुलाई से मेरे महीने की शुरुआत हुई और वो थी पूरी बीमार मतलब देखो सबसे पहले मैंने पंद्रह तक वीडियो शूट किया

ठंडा है गर्मी है पीने, मेरे, को, मेरे को सहन होता नहीं है फिर भी मैंने पिया तो पीने के बाद हुआ गला खराब गले खराब में एक दिन ठीक है एक दिन रात को थोड़ी बहुत नींद खराब हुई उस, उसमें कुछ गया ही नहीं लेकिन दो जुलाई को हुआ बहुत बड़ा कांड और वो था कि मेरा जो गला था वो इतना नेक्स्ट लेवल दर्द होने लगा था कि मेरे को ना बोलने चमरा था रात को नींद नहीं आ रही थी मेरे को गोलियां भी खा ली थी लेकिन नींद की गोली भी मेरे पे काम नहीं करी थी इतना डेंजर मेरा लेवल था ठीक है तो और ये सब प्रोसेस में है बीच में आप लोग देख रहे हो कि पूरे पंद्रह दिन बीत चुके एक वीडियो नहीं बनाया मैंने तो तीन जून को भी सेम हालत तीन जून को ठीक है थोड़ा रिकवर करना चालू हो गया था थर्ड डे था तो कोई भी वायरस आता तो थर्ड दिन में निकल जाता है तो बाद में चार जुलाई को कैसे दो चार जुलाई को थोड़ा एनर्जी फील हो रहा था फिर भी उस दिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा उठ रही नीचे चल रहा ऐसे थोड़ा लाइट साइड लगाने की कि कोशिश किया उतने में पूरी ऐसे एनर्जी उड़ाऊंगा ऐसे ऐसे हाथ पे थके हुए ठीक <laughs> है तो पाँच को भी नहीं छे को भी नहीं और छे को क्या प्रॉब्लम थी पांच और छे को मेरा गोलियों का लास्ट डोज था तो नींद की गोलियाँ अभी पर ज्यादा काम करी थी तभी तो जब नींद की जरूरत है तभी तो नींद आई नहीं और अभी जब गोलियों की जरूरत नहीं थी तो गोलियां फिर भी मैं खा जाता क्योंकि डोज डोज कम्प्लीट करना आज मेरा डोज पूरा कंप्लीट हो चुका है आज मेरे को एक भी

एकदम मजा मतलब मजा कॉलेज का लेक्चर से वो अटेंड करके थोड़ा पढ़ वर के काम खत्म कर दो लेकिन नहीं एक बार आप लोग आप लोग कंफर्ट जोन के अंदर घुस चुके की हाँ इतना अपना है बाकी सब चीजें करने की क्या जरूरत सोचते हैं मेरे को तो बीच बीच में लगने लगा था क्या जरूरत है मेरे को तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने की बाकी लोग इतने सौ हजार क्रिएटर्स पड़े वो लोग बना देंगे मेरी क्या जरूरत है यूट्यूब पर बल छोड़ा जाना नहीं बना रहे ऐसा रखे तो एक दो दिन और निकल गए <laughs> एक दो दिन से मैं खुद को समझा रहा नहीं यार बनाना चाहिए अरे खुद के साथ मेरी इतनी मतलब पंगे हो गए थे कि बनाना है कि नहीं बनाना है बनाना है कि नहीं बनाना है क्योंकि बीच में मैंने लाइट्स भी आप लोगों को में ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ब्राइट है मेरे को बताना कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो ये लाइटिंग सही है कि नहीं कि पुरानी वाली लाइटिंग सही है तो अभी आप लोग बोलोगे पिछले वीडियोस में तो मैंने बहुत सही चिल्लाया था कि मेको वीडियो बनाने में मजा आता है क्या कहाँ गया अभी तेरा सब मजा जब वीडियो बनाने की जरूरत होती है तभी तो वीडियो बना नहीं और शायद कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अगर तुझे मजा नहीं आ रहा है तो भैया शायद ये आपका पैशन नहीं है जाओ कुछ और ढूंढो तो मैं आप लोगों को बता दो जितने भी अभी तक ये सब जितने भी फंडे थे ना कि फॉलो योर पैशन पैशन फॉलो करने से मजा आता है पैशन एक ऐसी चीज़ होती है जो चीज करने में मजा आती है मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मेरे को वीडियो शूट करने में मज़ा नहीं आ रहा लेकिन फिर भी एक टाइम बाद जब तक जब तक वो चीज़ नई नई होती है ना तब तक ही उसको करने का मन करता है जैसे जैसे वो चीज़ सेवेंटी जैसे आपके स्कड्यूल में पूरी तरह से ऐसे घुस जाती है कि आप लोगों को पता ही नहीं चल जा कि वो कब हो रही है कब निकल जा रही है तो एक टाइम बाद पूरा सब चीजें मोनोटोमस हो जाती है और उसके बाद अब लोगों को फिर से वही चीज करने का मन नहीं करता तो वही चीज शायद मेरे साथ भी हो चुकी थी कि इतना साल इतना बैड में कंफर्ट जोन में घुस गया था इतने मैंने वीडियोस बना लिए थे कुछ 89 नाइन वीडियो अपने चैनल के ऊपर और सेकंड चैनल के ऊपर 45 फाइव वीडियो मतलब मैं है ऑलमोस्ट सौ से ज्यादा वीडियोस मैंने बना लिया अपने इस चैनल के ऊपर सौ से ज्यादा वीडियोस इस महीने मैं टारगेट कर रहा हूँ सौ वीडियोस अपलोड हो जाए 89 uh, 89 वीडियोस अभी तक हो चुके हैं कभी कभी मन नहीं करता आप लोगों को कुछ कुछ चीजें करने का और आप लोगों ने उस समय एक्शन नहीं लिया कि जब आपका मन नहीं कर रहा था आपने नहीं किया ना उस टाइम पे मैंने और पाँच छः दिन आगे कर लिया था कि हाँ शायद आज मन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं कल मन करेगा कल मन करेगा कल मन अरे नहीं मन, मन किया ही नहीं तो मैंने चलो मन नहीं कर रहा तो खुद ही मन को लेके जाओ और करके आते हैं कुछ तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं है कुछ नहीं है मैं बस प्रैक्टिस फिर से कर रहा हूँ कैमरा के सामने बोलने की फिर से अपने वो प्रोसेस के अंदर घुसने की फिर से वो फिर से अपना कुछ नया नया वीडियो में करने की मैंने सोते सोते बेड पे है नींद में नींद में बोल रहा हूँ दवाई के नशे में इतने वीडियोस खुद के देख लिए थे कि मेरे को बहुत सारी कमियां लगने लगी थी तो सोचा इस बार वो इम्प्रूव करेंगे वो सब कई क्या होता है पता है कि हम लोग ना बहुत सारी चीजें हम लोग फोल ग्रांटेड लेते हैं हाँ ये है क्या फर्क पड़ता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बेड पे सात पाँच छह दिन लेटा था इतनी तकलीफ की पूछो मत फिर से मेरे को वही सब सपने आ रही थी कि काश मेरी बॉडी हेल्दी होती काश मेरे को ये कभी होता ही नहीं मेरे को ये कौन समझेगा क्योंकि कभी कभी बीमार पड़ना भी अच्छा रहता है अगर आप लोगों को बताओ कि पिछले महीने क्या क्या था पिछले जून के महीने में ना मैं कुछ भी गाय भैंस जैसा बकरे लोग कैसे कुछ भी खाते हैं तो वैसे मैं कुछ भी खाता था <laughs> कुछ भी मतलब जो अपना डाइट वाइट था डाइट डाइट नहीं बोल सकते जो भी अपना फिट था चपाती आ, चपाती बोलो रो, रोटी सब्जी चना वटाना शेख दाना ले लो <laughs> तो ये सब चीजें मैंने खाना बंद कर लिया था क्योंकि क्या फर्क पड़ता है मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता <laughs> और एक दिन स्प्राइट पिया मेरा खेल खत्म सीधा पाँच छह दिन डायरेक्ट बेड पे जब तक ना हम लोगों को कुछ हो नहीं चाहता ना हम लोग बहुत सारी चीजें ग्रांटेड लेते हैं ये सिर्फ एक एक्जाम्पल है कि अभी आ, मैंने आ, आ, ऐसा खुद के डाइट को खुद को गारंटी ले लिया कि हाँ एक एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा नहीं खाना अच्छा <laughs> तो उसका रिजल्ट हम लोगों को फटक से दिख गया जब बेड पे लेटे रहते हो ना तो उसका रिग्रेट होता है मैं तो लेटे लेटे वहाँ वही पहुंच गया था जहां से मैंने सब शुरुआत की थी <laughs> कि अच्छा सोचना है अच्छा सब करना है अच्छे से सब करना है बेड पे लेटे लेटे मैं पुराना वाला हो गया था जहा पे सब नशी कुछ नहीं फर्क पड़ता जो हो रहा है वो हो जाए चलने तो जैसा हो जाए वैसा हो जाए अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता <laughs> देखो बीमारी के टाइम पे आप लोगों को मैं बताऊँ की आप लोगों को ना फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि नींद नहीं आती है बहुत सारी दिक्कतें लगती है बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है मैंने तो क्लाइंट का कितना सारा काम पेंडिंग था तीस तीस चालीस चालीस मिनट के वीडियो एडिट करना बाकी है लेकिन फिर भी मैंने अभी तक वो एडिट किए नहीं बीच में बीच में मेरा में लैपटॉप मैंने सर्विस सेंटर में जाके दे दिया क्योंकि उसका टाइप सी का पोर्ट मैंने खराब कर दिया वो लूज था तो मैंने सोचा टाइप सी का पोर्ट भी हम लोग ठीक करा लेते बेड पर लेटे तो देख आ जाओ उतने दिन में लैपटॉप भी वापस आ जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आती है बट स्टिल जो चीज़ मुझे अभी यहाँ पर वीडियो बनाने को खींच के लेके आई वो ये थी कि मेरा फ्यूचर वर्ल्चर मतलब देखो मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में बोल के रखा कि नोट्स बनाओ और आप लोगों को क्या करना है कुछ क्या अचीव करना है वो आप लोग नोट्स में लिखो तो जब मैं ऐसे एक बार बैठा था तो मैंने वो बुक खोल के देख लिया ऐसे ही बुक खोल के देख लिया कि क्या है इस बुक में देखो तो देखो तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं वही पहुँच गया था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी तो मैंने वो बुक खोल के देखा और वो बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो खुद की लिखी हुई बुक है ठीक है खुद ने ही सब कुछ लिखा है उसके अंदर फिर भी पढ़ना चालू कर दिया ऐसे जैसे कि ये सब पहली बार देख रहा हो कि ये सब क्या है तो उसको पढ़ते 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 मेरे को एक ऐसा टाइटल पढ़ा गया है कि तो वहाँ पर जो गोल्स लिखे हुए थे वहाँ सेक्शन दिखाई दिए कि हाँ यहाँ पर जो गोल्स लिखे हुए ये मैंने खुद ने लिखा सब है सबसे पहले मैंने लिखा है <laughs> फिर हाँ ये मैंने लिखा है तो उसको लिखने के बाद मुझे अरे हाँ ये तो मैंने ही लिखा है तो अभी क्या, अभी इसके एक्शन कहाँ पर है मले? लिखा तो लिखने से कम्प्लीट होगा नहीं एक्शन कहाँ पर है <laughs> तो मैंने सोचा की लिखा है तो ये लिखा हुआ कट तभी होगा जब ये कम्प्लीट होगा थ्री पॉइंट फाइव मिलियन सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब नहीं किया नीचे कर दो ठीक है कि अगर मैं लिख के नहीं रखता था, था ना तो शायद मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहा होता था तो फिर आ, ऐसे मैं ऐसी सब चीजें नहीं बोल रहा था ना पिछले वीडियोस में कि लिख के रखो कि आपको क्या जाना है क्या जाना है क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा कभी ना कभी आप लोग एक ऐसे टाइम पे आकर अटक जाओगे जहाँ पर आप लोगों को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है बस ऐसे लेटेड हो गए तो वही चीज आप लोगों को मदद करेगी जो आपने खुद नहीं लिखी होगी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो क्या करना है मैं स्टोरी से आप लोग ये सीख सकते हो कि कभी कभी आप लोगों के लाइफ में भी उल्टे सीधे चीज़ें चीजेंगे और बीमार पड़ गए ना गलती से तो आप लोगों ने जितनी मेहनत अभी तक की रहेगी वो सब आप लोगों को पानी की तरह जाएगी आप नहीं मन कर रहा है फिर से ये सब फिर से नया शुरुआत करने का नहीं मन कर रहा है लाइट्स लगा के वीडियो बनाने का आप लोगों को एक ही चीज वो गोइंग गो रखेगी वो थी आपका क्लियर विजन कि आपको ये सब क्यों करना था मेरे पास क्लियर विजन लिखा हुआ था क्या मन में नहीं दिमाग में रहता ना तो दिमाग में से उस समय अगर दिमाग में होता ना तो मैं दिमाग ठीक होते ही मैं वीडियोज बनाना स्टार्ट कर देता था मेरे हाँ, को सात तारीख तक रुकने की जरूरत भी नहीं अगर मैं वो बुक पहले पढ़ लेता तो शायद मैं पाँचवें या छठवें दिन से भी वीडियोस पर रहना स्टार्ट कर देता था बट वो मैंने बुक को जल्दी हाथ लगाया नहीं एक बार डॉर के पास ऐसे बैठा था कि कौन सी बुक निकालू मैम बोल रही थी कि डायग्राम बना के भेजो मेरे को तो क्या क्या बोल रही थी तो मैंने सोचा ये बुक अच्छी इसको निकाल के दिखा रही है तो वही बुक है डायग्राम बनाया मैम को भेजा बाद में देखा बुक के अंदर लेक्चर लेक्चर सब उससे मैं सब ध्यान हट गया था लेक्चर लेक्चर से देखा कि अरे बापरे ये सब तो आपने लिखा है ये सब तो कुछ हो ही नहीं है अपने एक्शन तो सारे उल्टे तो आप लोगों को जो आपकी लिखी हुई चीज़ें वही आप लोगों को हेल्प कर सकती हो और कुछ नहीं आप लोगों को सीखना तो यही सीख सकते हो कि प्लीज़ लिख के रखना आप लोगों को जो भी करना है अगर दिमाग में रखोगे ना कोई भी तुम लोगों की लाइफ में एक डाउन पॉइंट आएगा जहां पे तुम लोगों को सबसे चीजें आप लोगों के साथ गलत होती जाएगी तो आप खुद भी नीचे जाओगे आप लोगों को ऊपर लाने के लिए कोई वीडियोस कोई मोटिवेशनल वीडियोस कोई 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 काम की नहीं आएगी मेरे पास और एक ऑप्शन था कि मैं यूट्यूब के ऊपर खोल के मोटिवेशन वीडियो सर्च करके जोश में आ जाऊँगी कि वीडियो बनाना है तो वो जोश ज्यादा दिन तक टिकता नहीं मेरा तीन चार दिन तक मैं वीडियो बनाता था बाद में फिर से छोड़ देता था क्योंकि मैं कम्फर्ट जोन के अंदर बहुत ज्यादा घुस गया था आप लोगों को सुनने में जितना आसान लग रहा है ना उतना उतना ये उतना ये है नहीं तकलीफ बहुत होती है कि मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पर जाने का बट फिर भी मजा आ रहा है ऐसा होता है तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को ज्यादा दिन तक ज्यादा जा, दिन तक आप लोगों को पुश नहीं करके कर जा सकती जब तक आप खुद को पुश नहीं करके कोई भी वीडियो देखा आप लोगों को होता रहेगा ना कि यार हाँ, हाँ तीन चार दिन तक बहुत मजबूत पड़ा बाद में सब छोड़ दिया क्योंकि आपके पास क्लियर विजन लिखा हुआ नहीं है मेरे पास पांच या छह साल का विजन है अभी तक मेरा क्लियर और दस साल का मेरे पास एकदम क्लियर है कि ये नहीं हुआ तो मैं निकम्मा हूँ <laughs> लेकिन वो हो जाएगा मेरे को गारंटी दस साल भी नहीं लगेंगे उसके लिए सात आठ साल बहुत हो जाएंगे दस उसके दस मिनट तो हम अलग ही गोल बना लेंगे ना <laughs> तो अगर आप लोगों ने लिख के नहीं रखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो ये वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं है खाली पॉज करना और लिख के रखना क्योंकि अगला वीडियो यूट्यूब ने ऑटो प्ले कर लिया ना फिर से दिमाग में बात खत्म फिर से तुम लोग गाना छनिया छनिया वाले गाने सुनने चालू हो जाओगे ठीक <laughs> है तो बस मैं अभी फ्लो में आ चुका हूँ तो मजबूत जोश में हम लोग फिर से पूरा जोश में वीडियो बनाने चल हो जाएंगे अभी मिलता है आप लोगों को अगले वाले वीडियो में अगला वाला वीडियो आजी अभी शूट कर को अभी इसके बाद फटाफट नेक्स्ट वीडियो शूट हो जाए आप लोगों को शायद नेक्स्ट इसके बाद ही एक साथ दो वीडियो अपलोड होंगे अभी इसके साथ नेक्स्ट वीडियो और एक अपलोड होएगा ठीक है इसको क्योंकि इस नोटिफिकेशन इसका वीडियो में नोटिफिकेशन सबको जाएगा तो मैंने चाहता कि ये वीडियो कोई देखे क्योंकि मैंने ही अपलोड कर रहा और जो ये देख रहा है भाई बेस्ट ऑफ लक भाई थैंक यू भाई थैंक यू तेरा, तेरा सपोर्ट की वजह से मैं सब कर पा रहा हूँ थैंक यू सो मच तो बाय ठीक है अनुज का जो स्टार्ट अनुज का जो अनुज ये अनुज दिया अभी भी बाकी है मेरा मोबाइल कहाँ पे